नमस्कार, स्वागत है आपका सैटरडे न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नाजनीन खान। आज से ठीक एक साल पहले दिल्ली के सड़कों पर चीख पुकार मची थी। किसी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी तो किसी को घर के अंदर ही जिंदा जला दिया गया था। दिल्ली में हुए दंगे को आज पूरे एक साल हो गए हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दिल्ली के उत्तरी पूर्वी इलाके में भड़की हिंसा को एक साल पूरा हो गया। उस वक्त CAA के खिलाफ शुरू हुए प्रदर्शनों का खात्मा दंगों की शक्ल में हुआ था। उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगाइयों ने जमकर तांडव किया था। दर्जनों घरों और दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। 23 फरवरी से 26 फरवरी 2020 के बीच हुए इन दंगों में कई लोगों की मौत हो गई थी। दिल्ली नॉर्थ ईस्ट दंगों की जांच कोर्ट की दहलीज पर है। 23 फरवरी 2020 को हुए इन दंगों में बहुत सारे लोग घायल हुए थे। इन दंगों के मामले में कुल 775 FIR दर्ज की गई थी। पुलिस ने दिल्ली दंगों की जांच के लिए 3 SIT गठित किए थे। क्राइम ब्रांच को केस के लिए सौंप दिए गए थे, जबकि स्पेशल सेल ने केस दर्ज किया था। इन दंगों में जांच के दौरान कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दंगों की शुरुआत चक्का जाम से की गई, जिसकी कमान NTCAA को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन करने वाले संभाल रहे थे। ये प्रदर्शन हौजरानी, जामा मस्जिद, दरियागंज, सीलमपुर, नवी करीम, सदर बाजार जैसे इलाकों में चल रहे थे, जहां समुदाय विशेष की आबादी भी काफी ज्यादा थी। वहीं पुलिस का ये भी कहना है कि दंगों में एक बड़ी साजिश के तहत ठीक उस वक्त हुए जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत दौरा था, ताकि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का इस पर ध्यान जाए और भारत की छवि खराब हो। इसलिए दंगाइयों ने संवेदनशील इलाकों को चुना। भले ही आज एक साल गुजर गया हो, लेकिन वहां के लोगों को इससे लगे जख्म आज भी भरे नहीं हैं। नागरिकता कानून में हुए संशोधन के विरोध में शाहीन बाग से शुरू हुआ विरोध उत्तर नगर पूर्वी दिल्ली के उस छोर तक जा पहुँचा, जहाँ दो समुदायों के बीच में गाहे बगाहे तनाव का माहौल दिखा। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सैटरडे न्यूज़। नमस्कार।